एलपीजी से क्रेडिट कार्ड तक देश भर में लागू हुए ये 6 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। गुरुवार यानी कि 1 अगस्त से महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में महीने की पहली तारीख से ही कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। आपको वीडियो में 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले बदलाव की बात करें तो वो है एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा। अगस्त के महीने की शुरुआत में ही एलपीजी गैस सिलेंडर पर महंगाई का झटका लगा है। जी हां, बजट के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इजाफा किया। इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत इस बार भी जस की तस है। गुरुवार को पहली तारीख से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹8.50 तक महंगा हो गया। दूसरे बदलाव की बात करें तो वो है इनकम टैक्स रिटर्न को भरने को लेकर। पहली तारीख से लागू हुआ दूसरा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है। दरअसल अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर आपको अब जुर्माने के साथ ये काम करना होगा। आयकर विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक टैक्स पेयर्स साल के अंत तक, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन ये जुर्माने के साथ भरना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो फिर ₹1,000, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आईटीआर भरने पर जुर्माना ₹5,000 तक रहने वाला है। तीसरे अपडेट की बात कर लें तो वो है बैंक हॉलीडे को लेकर। दरअसल अगस्त के महीने में अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है तो घर से निकलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी बैंक हॉलीडे लिस्ट पर नजर डाल लें। दरअसल लिस्ट के मुताबिक पूरे महीने में 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे विभिन्न अवसरों पर बैंकों में अवकाश होगा। इन छुट्टियों में दूसरे व चौथे शनिवार, रविवार को पड़ने वाला साप्ताहिक अवकाश शामिल है। चौथे बदलाव पर नजर डालें तो वो है वाहन चालकों को लेकर। वाहन चलाने वालों को आज से यानी कि 1 अगस्त से नए नियम लागू होते दिखाई देंगे। 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच फास्टैग KYC प्रोसेस पूरी करनी होगी। इसके साथ ही अब वाहन चालकों को अपने 3 साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को बदलकर नया लेना होगा। पांचवें और अंतिम बदलाव की बात करें तो वो है गूगल मैप को लेकर। दरअसल गूगल मैप 1 अगस्त 2024 से भारत में अपने नियमों को लेकर बदलाव कर रहा है, जो पहली तारीख से पूरे देश में लागू होगा। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने अपने गूगल मैप सर्विस पर भारत में लिए जाने वाले चार्जेस को 70% तक कम करने का ऐलान किया। इसके अलावा अब गूगल अपनी मैप सर्विस का पेमेंट डॉलर के जरिए लेने के अलावा रुपीज में भी लेना शुरू करेगा।